नमस्कार 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 आप सब लोगों को मेरी तरफ से व्योमकेश मेहर की तरफ से नमस्कार। आप सब लोगों को वेलकम है बिगिनर टू मास्टर के सीरीज में। एंड इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। आप देख सकते हैं आपके पेज में है। तो उन सब में से सबसे ज्यादा टाइम तक जो रूल करने वाला जो डायनेस्टी है दैट इज द तुगलक। दे रूल फॉर 94 इयर्स फ्रॉम 1320 से लेकर 1414 तक। सबसे कम टाइम रूल करने वाले खिलजी थे 30 इयर्स, दे रूल फ्रॉम 1290 से लेकर 1320। बट आज मैं बात करूंगा लोधी डायनेस्टी के बारे में। देखो दरअसल लोधी डायनेस्टी में तीन ही शासक हैं। फाउंडर जो है बहलोल लोधी, उनका सेकंड बेटा जो है उसके बाद आए थे सक्सेसर सिकंदर लोधी, उसके बाद उनका बेटा जो आया था इब्राहिम लोधी। और आप सब लोगों को तो पता ही होगा 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ थे बाबर और दूसरे तरफ से थे इब्राहिम लोधी, और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, जिसमें लोधी वंश का पतन हो गया था। बट बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक एक चीज मैं बताऊंगा कि जो ये पहले जो चार वंश थे दिल्ली के सुल्तान्स में, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, वो तुर्क से थे और केवल लोधी जो थे वो अफगान से थे। ठीक है, तो लोधी बेसिकली जो लोधी नाम पड़ा था, लोधी अफगान के एक ट्राइब का नाम था, लोधी था। एंड इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट बहलोल लोधी, और आज मैं बात करूंगा सिकंदर लोधी के बारे में बात करूंगा। यस, इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, और आज मैं डिस्कस करूंगा लोधी, और स्पेशल रेफरेंट टू द सिकंदर लोधी। द लॉन्गेस्ट जो है तुगलक है 94 ईयर्स, शॉर्टेस्ट जो है खिलजी है 30 इयर्स, और स्लेव, खिलजी, तुगलक और सैयद ये कहाँ से थे? तुर्की से, और केवल जो है अफगानिस्तान से एक ही डायनेस्टी थे, वो है लोधी। ठीक है, तो आप सब लोगों को वेलकम है बिगिनर टू मास्टर में। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक लेके जाएंगे। एंड वेल दिस इज अबाउट मी व्योमकेश मेहर, पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो नवोदय स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय नरला दैट इज इन ओडिशा। एंड ऑल्सो आप लोगों के सामने 10 साल से ज्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और यस दिस इज माई नंबर, यू कैन कंटैक्ट मी 1 बजे से 2 बजे के बीच में व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। किसी भी प्रकार का क्वेरीज है, हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऑप्शनल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सब के बारे में। एंड यस दिस इज माई टेलीग्राम ऐप, सर्च कर सकते हो जी एस बाई व्योमकेश मेहर के नाम पे। वेल तो यहाँ पर ज्वाइन क्यों करेंगे सवाल उठता है कि ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन क्यों करें। देखो पहला चीज है, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगा डेली बेसिस में, उसके साथ साथ 1-to-1 जो है डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलेंगे, टॉप एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर, प्री रिकॉर्डिंग वीडियोज रहेगा वो आप कभी भी देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेस और बेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट, शॉर्टकट ट्रिप्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूल और कभी भी कहीं भी एनी टाइम एट एनी वेयर। ठीक है, ये सबसे बढ़िया चीज है। और दिस आर द टॉप एजुकेटर हु आर द पार्ट ऑफ द अनअकैडमी, आप देख सकते हो। और यहाँ पर सारे कोर्सेस अवेलेबल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक कोर्सेज। अगर एक साल का जो कोर्स है आपको पड़ेगा केवल एंड केवल 44,000, That to be, ये मेरा रेफरल कोड है, आप सब मेरा रेफरल कोड डाल सकते हो, वो है PM Live, जिसमें आपको 39,600 में चीजें जो है मिल जाएंगी। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन में आपको पड़ेगा 64,000, बट उसमें अगर मेरा रेफरल PM Live डाल देते हो तो आपको पड़ जाएगा 57,600। ठीक है, और दीज आर माई माराथन रेसेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में माराथन रेसेस मैंने किया है। उसका फायदा ये है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको मिल जाती है, सारे टॉपिक में मैंने किया है, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में,
क्वालिटी में, क्वालिटी ठीक है, आप उसका फायदा उठा सकते हो, लेट्स क्रैक इट में है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम है बहलोल लोधी, जो कि 1451 से लेकर उन्होंने शासन किया था 1451-89 तक। देन उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे 1489 से लेकर 1517 जो है सिकंदर लोधी, उनका जो सेकंड बेटा जो थे सिकंदर लोधी। हालांकि जितने भी लोधी, बहलोल लोधी हो, सिकंदर लोधी हो या फिर इब्राहिम लोधी हो, सबसे जो पावरफुल है, सबसे बेस्ट, द ग्रेट एंड मोस्ट सक्सेसफुल सुल्तान अमंग द लोधीज जिनको कहा गया है, वो है सिकंदर लोधी है। ठीक है, एंड ये बहलोल लोधी का जो है सेकंड बेटा थे। ठीक है, उनका जो जैसे ही डेथ हो गया था सिकंदर लोधी जो है शासक बने थे। ठीक है, एंड सिकंदर लोधी गेव एम्पल एविडेंस ऑफ हिज क्वालिटी एज ए जनरल, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कंसिडर्ड एज द एम्पायर द मैन ऑफ द लेटर, मतलब सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर लोधी वंश के, अच्छे जनरल भी थे, एंड ही वाज अ ग्रेट एंड एबलेस्ट सुल्तान इफ आई कंपेयर विद बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो सिकंदर लोधी रिगार्डेड एज द एबलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल सुल्तान, और सिकंदर लोधी गेव एम्पल एविडेंस ऑफ हिज क्वालिटी ऑफ द जनरल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कंसोलिडेटर एंड ऑफ द एम्पायर एंड द मैन ऑफ लेटर। और सिकंदर लोधी वाज द सेकंड सन ऑफ सुल्तान बहलोल लोधी, उनका फादर का नाम क्या है बहलोल लोधी, जो कि फाउंडर थे, लोधी वंश की स्थापना की थी उन्होंने, he was the founder and he expanded the Lodhi territory in the region of the Gwalior in Bihar. उसके साथ साथ हालांकि बहलोल लोधी उनके जो फादर थे, जवाय थे, दिल्ली और जो पालम एरिया है उस एरिया को कैप्चर किए थे, क्योंकि उससे पहले सैयद वंश थे और सैयद वंश के जो रूलर थे आलम साहब वो इतने पावरफुल रूलर नहीं थे, तो उन्होंने दिल्ली के कुछ ही एरिया पे कैप्चर किया था। उसके बाद जब बहलोल लोधी आए थे उन्होंने फिर बहुत सारे एरिया पे कैप्चर किया था, सिरहिंद, ग्वालियर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, बहुत एरिया पे कैप्चर किया था। उसके साथ साथ ये भी जो है सिकंदर लोधी ने भी ग्वालियर, बिहार, ये सब एरिया पे कैप्चर किया था। तो ग्वालियर, बिहार एंड इन 1489 सिकंदर लोधी सक्सेडेड बहलोल लोधी एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो कौन सा ईयर में, 1489 में वो शासक बने थे सिकंदर लोधी। ठीक है, और देखिए ये थोड़ा सा एग्रीकल्चरल चीजें में थोड़ा सा ज्यादा फोकस किए थे कि किस प्रकार से एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट हो, जैसे कि जो फार्मर है उनका ज्यादा भलाई होगी, इसीलिए उन्होंने जो ग्रेन पे, ठीक है, फूड ग्रेन उस पे जो टैक्स लगता था उसको उन्होंने हटा दी थी, और जो ट्रेड पे, व्यवसाय पे जो टैक्स लगता था उन्होंने उसको हटा दिया, इसलिए फार्मर भी उनको बहुत अच्छा पसंद करते थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी किस प्रकार से एग्रीकल्चरल लैंड ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल हो, इरिगेशन सप्लाई करने के लिए, सिंचाई करने के लिए उन्होंने कई सारे नहरें बनाई थी, कैनल्स बनाया था, तो ये सब जो है डेवलपमेंट, इरिगेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ग्रेन पे टैक्स नहीं लगना, ड्यूटी नहीं लगना, ट्रेड पे ड्यूटी नहीं लगना, ये सब चीजों के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ था, तो इसलिए उनको एक अच्छा माना गया। एंड देखो सिकंदर सोल मोटिव वाज टू रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान एंड दैट ही सक्सेस एंड ही फ्रेम्ड सर्टेन रूल व्हिच वर ऑब्जर्व बाय ऑल नोबल्स एंड गवर्नर। ठीक है, और उससे सबसे बढ़िया चीज जो मैंने बात की थी कि उन्होंने जो है ही एबोलिश द ड्यूटी ऑन द ग्रेन्स, ग्रेन्स पे जो टैक्स लगता था उसको हटा दिए, एंड एनकरेज द फार्मर टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। उन्होंने पूरी तरह से जान लगा दी थी, कोशिश की थी कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट ज्यादा हो। उसके साथ साथ ही एबोलिश द इंटरनल ट्रेड एंड ड्यूटी, जो ट्रेड एंड ड्यूटीज लगती है उसको हटाए थे, एंड द पोस्ट स्पाइसेस एंड द इनफॉर्मर एट एवरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इंक्लूडिंग द हाउस ऑफ हिज नोबल्स। ठीक है, उन्होंने स्पाइसेस का इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय द स्पाइसेस, खुफिया एजेंसी। देखो खुफिया एजेंसी का इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रीजन रहा कि ये शासक जो है अपने आप को अपडेट करना चाहता था, अपने आप को सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाना चाहता था, कोई दुश्मन कंट्री जो है उसके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है उसके बारे में जानना चाहता था, उसके साथ साथ उनके प्रजा उनके बारे में क्या सोच रहा है ये सब समझ करना चाहता था। एंड ऐसा नहीं है
कि उससे पहले भी ग्यासुद्दीन बलबन ने स्पाई सिस्टम का इंट्रोड्यूस किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, तो ये एक अच्छी बात होती है। आज के डेट में भी स्पाई सिस्टम सीबीआई है, आईबी है, रॉ है, ये सब का काम क्या है, डिटेक्ट बेजत से, ठीक है। अच्छा, जिसको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक डिटेक्टिव एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, अगर पता है तो लिख के बताइए। सबसे वर्ल्ड का खतरनाक डिटेक्टिव एजेंसी कौन सा है उसका नाम बताइए। मैं बता देता हूं, वो इजराइल का है। कौन सा है आपको बताना है, जिसको पता है वो बताइए। चलिए, ये होमवर्क है। चलिए अब देखो, एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, एक बहुत अच्छा शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पर, ठीक है, जो किंग है उनके बहुत अच्छा सिकंदर लोदी के, क्योंकि वो जो है चाहते थे कि जो है जो उनका जो मस्जिद है, मश्कियो है, उसको एक रिलीजियस प्लेस के हिसाब से जो है, रिलीजियस प्लेस तो था, उसके साथ साथ एजुकेशन के हिसाब से उसको वो एंकरेज करना चाहते थे कि बच्चे वहां पर जाएं, और जो स्टेट के एक्सपेंस पे वहां पर एक टीचर को अपॉइंट कर दिया जाए, और सो दैट कि दैट शुड बी ए सेंटर ऑफ लर्निंग, सेंटर ऑफ लर्निंग बनाने की कोशिश की। वैसे तो रिलीजियस प्लेस है ही मस्जिद, बट वहां पर सेंटर ऑफ लर्निंग एजुकेशन, वहां पर टीचर अपॉइंट किए जाएंगे, वहां पर बच्चे आएंगे, उनको जो है कल्चर दिया जाएगा, उनको जो है शिक्षा दिया जाएगा, उस पर उन्होंने काफी जोर दिया था। एंड ये मैं कहूंगा ये तो बहुत अच्छी शुरुआत थी। और 1516 में उन्होंने कैप्चर की थी ग्वालियर पे, उसके साथ साथ सिकंदर लोधी का जो है डेथ हो गया था 1517 में, सिकंदर लोधी इलनेस लेड हिम टू द डेथ इन नवंबर 1507। उसके बाद जो है उनका बेटा इब्राहिम लोधी जो है शासक बने थे। आप देख सकते हो, ही एंकरेज द एजुकेशन पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रेन ऑफ अफगान नोबल एज टू मेक देम कल्चर, ठीक है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो लोगों को कल्चर बनाती है, लोगों को शिक्षा देती है, लोगों को ज्ञान देता है। एंड ही मेड मस्कियो एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ही मेड मस्कियो मतलब मस्जिद एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ही अपॉइंटेड वन रिलीजियस प्रीचर मतलब धर्म के बारे में ज्ञान देने के लिए, और एक टीचर, वन रिलीजियस प्रीचर, वन टीचर गुरु इन मस्कियो एज अ स्टेट एक्सपेंस, तो राज्य के खर्च में एक धर्म के बारे में ज्ञान देने वाला और एक नॉर्मल कल्चर सिखाने वाला एक गुरु को अपॉइंट करते थे। एंड इन हिज कोर्ट, सो दैट द कोर्ट वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर सेवरल स्कॉलर एडोनेंट। एंड 1516, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा कि धर्म के साथ साथ ज्ञान की भी शिक्षा दिया जाए, उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो रिलीजियस प्लेस जो मस्जिद थे, जो मस्जिद थे, उसको जो है धार्मिक चीजों के साथ साथ शिक्षा देने की कोशिश की थी कि ताकि ताकि जो बच्चे हैं वो जो है कल्चर बने, एजुकेशन जो उनको फायदा करे, ठीक है। दैट शुड बी अ सेंटर ऑफ एजुकेशन और लर्निंग, ठीक है। तो 1516 में ही मेड ए प्लान टू कैप्चर द ग्वालियर, बट एन इलनेस प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। हालांकि कुछ हद तक उन्होंने कोशिश की थी। एंड सिकंदर लोधी इलनेस ऑल्सो लेड हिम डेथ इन नवंबर 1507। तो 57 में उनकी मतलब इलनेस होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और रिलीजियन के मामले में देखो, एजुकेशन के मामले में और एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छी क्या काम किया था। जैसे कि एजुकेशन के मामले में अभी मैंने बताया था कि मस्जिद में उन्होंने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दी थी एक तरफ से, वहां पर हायर किया जाता था टीचर्स को, रिलीजियस टीचर को। एग्रीकल्चर के मामले में जो टैक्स लगता था उसको बंद कर दिया गया था, जो ग्रेन पे लगता था उसको बंद कर दिया था, इरीगेशन पे कई सारे वर्क किए थे सो दैट कि एग्रीकल्चरल का इम्प्रूवमेंट हो, फार्मर का इम्प्रूवमेंट हो। बट धर्म के नाम पे बात करूं तो वो रिलीजियस फैनेटिक कह सकते हो, मतलब हिंदुओं को वो भी एक तरफ से जबरदस्ती जो है कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे इस्लामिक, मतलब सेकुलर नहीं थे वो, अपने धर्म को प्रायोरिटी दे रहे थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदुओं को भी कन्वर्ट किया जाए, चाहे प्यार से हो चाहे वो जबरदस्ती हो। तो ये एक मैं कहूंगा कि खराब शुरुआत मतलब एक तरफ से उनका पॉलिसीज रहा है। डिस्पाइट बीइंग अ डिसेंट सिकंदर लोधी डिड नॉट बिलीव इन ऑल रिलीजन, सो सभी धर्म को रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन वाज नॉट देयर। एंड सिकंदर लोधी एनकरेज हिंदू टू फॉलो इस्लाम, एंड फॉर दिस रीजन यूटिलाइज बोथ स्वॉर्ड एंड कैश, मतलब साम दाम दंड भेद जिसको हम लोग बोलते हैं,
चाहे जबरदस्ती हो, चाहे पैसा देके हो, चाहे कन्वींस करके हो, उनको जो है इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए हिंदुओं को कबूल किया जाता, मतलब फोर्स किया जाता था। ये उन्होंने गलत काम किए थे। उसके बाद जो आते हैं अगला रूलर जो है इब्राहिम लोधी। अगला वीडियोस में मैं इब्राहिम लोधी के बारे में बताऊंगा, एंड मैं कैसे बताऊंगा उस टाइम पे कि दैट वाज द एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड आल्सो बिगिनिंग ऑफ मुगल। तो 1501 चीजें बता देता हूं कि 1526 में जो इंसिडेंट हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, देखो जैसे कि इब्राहिम लोधी पावर में आए थे, सारे पावर उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, उसके ही प्रजा जो है उसके खिलाफ आ गए थे, जैसे कि दौलत खान लोधी हैं, जैसे कि मोहम्मद लोधी हैं, जैसे कि राणा संगा जो खानवा के राजा थे, और दौलत खान लोधी ने तो बाबर को न्योता दिया था। तो एक तरफ से ये चार सुल्तान हो गए थे, बाबर, दौलत खान लोधी, राणा संगा और मोहम्मद लोधी, और एक तरफ थे इब्राहिम लोधी। तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, और जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। देखो 1526 का हिस्टोरिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है चार रीजन की वजह से। पहला चीज है डेथ ऑफ इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी का डेथ, जिसकी वजह से इब्राहिम लोधी का डेथ होने के बाद लोधी वंश का पतन हो गया था। दूसरा चीज है लोधी वंश का पतन होने के साथ साथ पूरा दिल्ली सुल्तान्स का भी पतन हो गया था। उसके साथ साथ बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसके साथ साथ बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी। हालांकि मैं इब्राहिम लोधी के बारे में अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो ये था अबाउट द सिकंदर लोधी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।